हे गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वीवो Y53S की। मेरे पास है वीवो Y53S जो कि है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो इस फ़ोन के बारे में मैं आपको कुछ डिटेल्स देने वाला हूं और इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो है, आपको यहाँ पर वीवो की ब्रांडिंग मिल जाती है और इधर आपको वीवो Y53S मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ से आपको वीवो का जो है 8GB रैम 128GB वाला वेरियंट है मेरे पास। नेक्स्ट यहाँ से आपको कुछ IPL वाला लोगो यहाँ पर मिल जाएगा और वीवो Y53S, और नीचे आपको यहाँ पर कुछ डिटेल इसके बारे में दी गई हैं। तो यहाँ पर आपको 64MP का रियर कैमरा और यहाँ पर आपको जो फ्रंट कैमरा है वो अभी यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। 5000mAh की बैटरी प्लस 18W का फास्ट चार्जर भी इसमें दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ से आपको कुछ और डिटेल दी गई हैं। नेक्स्ट यहाँ से अब इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। तो बॉक्स से यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पर आपको एक ये इसमें केस मिल जाता है, शायद पर आपको एक केस मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में है, और इसे भी हम साइड रखते हैं। और यहाँ पर आपको मिल जाता है फ़ोन, और इस फ़ोन को भी हम अभी साइड रख देते हैं और बॉक्स के अंदर देख लेते हैं क्या क्या निकलता है। तो यहाँ पर आपको ये एक बड़ा सा चार्जर मिल जाता है, 18W का चार्जर है, और आपको USB टाइप सी डाटा केबल। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बात है, यहाँ पर ये आपको ईयरफोन भी इस फ़ोन के अंदर मिल जाती हैं। तो ये सब चीज़ आपको इस फ़ोन के अंदर मिलती है, और सिम इजेक्टर टूल भी मिलना चाहिए। तो सिम इजेक्टर टूल भी यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इस सब को अब रख देते हैं साइड से। तो अब अपने फ़ोन को यहाँ से रैपर से निकाल लेते हैं इसे, और यहाँ पर मैंने निकाल लिया। तो फ़ोन को बूट कर लेते हैं। बूट जब तक फ़ोन होता है तब तक मैं आपको फ़ोन के ऊपर ओवरव्यू के बारे में बता देता हूं। तो यहां पर आपको राइट साइड में वॉल्यूम बटन और यहां पर आपको पावर बटन के ऊपर ही आपको फिंगरप्रिंट मिल जाता है। नेक्स्ट यहां पर नीचे की साइड आपको ऊपर स्पीकर ग्रिल, टाइप सी पोर्ट, और यहाँ पर हेडफोन जैक एंड माइक, और लेफ़्ट साइड में कुछ भी नहीं है। और पीछे की साइड फ़ोन काफ़ी प्रीमियम सा लुक देता है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है फ़ोन देखने में। तो इस फ़ोन को बूट मैंने कर लिया है, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है आपके सामने। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी डिस्प्ले को जो है ब्राइटनेस को फुल करके रखा है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।